हेलो बच्चों, तो इसके पहले हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर टू का, क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। ये थर्ड एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाले एग्जांपल्स हैं। लास्ट एक्सरसाइज है थर्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 9 स्क्रीन पे होगा आपके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू जैसे हम निकालते थे वही दिया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं। क्या है, वाई इक्वल टू, इसको मान लो तो y इक्वल टू है ये साइन इनवर्स साइन 3π/5। पर प्रॉब्लम ये है कि जो साइन का रेंज होता था वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता था, और ये जो 3π/2 है ये इसमें लाई नहीं करता रेंज में इसके, इसलिए हमें साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रेंज में ले आएंगे। तो वो कैसे आएगा, साइन इनवर्स साइन, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पाई -2π/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स और ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 2π/5। अब ये जो 2π/5 है वो इसके रेंज में आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू -90 और +90 के बीच में होगा। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2π/5। तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा या इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में ये हमें प्रूफ करना है, सो दैट, तो LHS ले लो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लगा सकते हैं, बट हम ज्यादा फार्मूले लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एक ही फार्मूला लर्न करेंगे टेन इनवर्स वाला। ठीक है, तो टेन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे होगा, इसके लिए देखो ये साइन है और साइन क्या होता है, ऐसे एक ट्रेंगल बनाना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस हो गया 5, तो ये बेस हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से 4। अब अगर हमें साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, टेन इनवर्स में, तो LHS लेना, टेन इनवर्स। अब देखो ये साइन में क्या था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और टेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये हो जाएगा 3/4। ये कन्वर्ट करना सीख लो, हर एक क्वेश्चन में हमें करना है। माइनस ये साइन इनवर्स, एक नया ट्रायंगल बनेगा, इसमें परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेनस हो गया 17, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेना आ जाएगा 15। अब इसको भी टेन इनवर्स में बदलना है, तो टेन इनवर्स और ये परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 8 अपान में 15 हो गया। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 अपान में xy, 1 प्लस xy। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो 3/4 - 8/15, और नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 3/4 * 8/15। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, टेन इनवर्स एलसीएम लो 60, और ये 15 3 = 45 और 4 8 = 32। ठीक है, अब देखो क्या मिला, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 15 4 = 60 + 24 / 60, तो ये मिला, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 60 कैंसिल हुआ, क्या मिला, टेन इनवर्स और ये 45 - 32, तो ये आ जाएगा 13 13, और यहाँ पे 84। अब देखो इसको, लेकिन हमें टेन इनवर्स में आंसर नहीं लाना था, हमें लाना था कॉस इनवर्स में। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 84/85 लाना है, तो इसके लिए टेन इनवर्स, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपान में बेस 84। अब जब ये निकालोगे तो ये 85 आएगा, ये निकाल के देख सकते हो। या एक ट्रिक याद रखना, जैसे ही इनमें से कोई एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक मिल गया, जैसे टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी बेस हो गया 84, और हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस इनवर्स में प्रूफ करना है, और कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस 84 और वहां भी 84 बेस आ रहा था, इसका मतलब हमारा काम हो गया है, बेस हमारा सेम आ रहा है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देना, कॉस इनवर्स 84 बेस अपान में हाइपोटेनस 85।
फाइव, तो ये याद रखना, इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल 10 हुआ। एग्जाम्पल 11 देखो, सो दैट इसमें भी ऐसे ही करना है, पर ये एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम आराम से, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पहले तुम्हें क्या बताया था, हम इसको टेन इनवर्स में बदलते हैं। तो जब हम इसको टेन इनवर्स में बदलेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस है, तो ये टेन इनवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 12 हो गया और बेस क्या आता 5, अब प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे बेस अपान हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपान बेस 10 में बदल जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 63 अपान में 16, इसी को सॉल्व करना है, ये LHS हमारा चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लेते हैं, ये हमने लेट किया हुआ है, यानी अब हमें एक तरह से क्या प्रूव करना है कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 या पाई प्रूव करना है। तो therefore जब ऐसा हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या मिला हमें, tan इनवर्स 12/5, इसकी वजह से हमें tan x मिला, tan x इक्वल टू क्या मिला 12/5। इसी तरह से y इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, tan इनवर्स 3/4, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, tan y इक्वल टू 3/4। अब इसके बाद तीसरा वाला z इक्वल टू 63/16, z इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, ये इक्वल टू में tan z से 63/16 मिल गया। इतनी जब बात क्लियर हो गई, इसके बाद देखो नाउ अब फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला लगाओगे, tan x प्लस y का, तो tan x प्लस y क्या होता है हमारे पास, tan x प्लस tan y अपान में 1 माइनस tan x और tan y, ये फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू रखो, अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो tan x हमारे पास क्या आया हुआ है, 12/5, तो ये हो गया 12/5 प्लस tan y हमारे पास आया हुआ है 3/4, नीचे क्या बचा 1 माइनस tan x tan y, तो tan x हो गया 12/5 इंटू 3/4, इसको सिंप्लीफाई करो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 12 4 जा 48, 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर दोनों का 20 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर 20 माइनस 36। अब देखो ये क्या मिलेगा हमें, 48 और 15 ये आ गया 63 और माइनस का 16। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस का 63/16, और इधर क्या था ये tan x प्लस y। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 63/16 हमारे पास किसकी वैल्यू थी, tan z की वैल्यू थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमने सपोज किया था tan x प्लस y इक्वल टू इतना मिला। अब माइनस tan थीटा, हम इसको अगर ध्यान से देखें तो tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और इधर क्या था हमारे पास, tan x प्लस y था, ठीक है, दोनों तरफ का tan कैंसिल हुआ, x प्लस y इक्वल टू क्या गया, पाई माइनस z, z को इधर ले आओ तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या मिला, पाई। Therefore अब x, y और z की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x की वैल्यू 12/5 प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, tan इनवर्स 3/4, और इसकी वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू क्या मिला, पाई। और ये tan को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13 प्लस इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस इनवर्स 4/5, और दूसरे वाले को ऐसे ही रहने देना, tan इनवर्स 63/16, तो ये आ गया पाई। तो ये एक तरीका हो गया इसका सॉल्व करने का, कंप्लीट। चलो देखो, एक क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका एक तरीका और है,
एक तो मेथड तुम्हें बता दिया, ये दूसरा मेथड है हमारे पास। ये दूसरा मेथड क्या है वो ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें क्या है, पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देते हैं। तो जब इसको लगाओगे तो टेन इनवर्स इन दोनों को लगाएंगे, 12/5 प्लस 3/4 अपान में 1 - 12/5 और इंटू 3/4, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 63/16। इसको एज इट इज रहने देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x इंटू वाई की वैल्यू है, x कितना है हमारे पास 12/5 और y कितनी है 3/4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, तो 12/5 इंटू 3/4, तो 4 × 3 = 12, तो ये आ गया 9/5। 9/5 एक से बड़ा है। तो जब कभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं, इसको पहले समझ लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 - xy। तो ये तभी ट्रू होता था जब ये जो एक्स वाई की वैल्यू है एक से कम हो। एक से कम यहाँ पे है नहीं, ये एक से ग्रेटर देन वन है, तो इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स दिस होगा। ऐसा कब होगा, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन हो, तब ऐसा हम करते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स दिस होगा। तो ये हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 = 48, 5 × 3 = 15 अपान में 20, ऐसे डिनोमिनेटर में 20 - 36 अपान में 20, ये हो गया प्लस टेन इनवर्स 63/16। 20 से 20 कट गया, क्या मिला हमें, पाई प्लस टेन इनवर्स 63/-16 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब देखो फार्मूला हमने पढ़ा था, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला था हमारे पास, तो इसलिए ये पाई और ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब 63/16। तो और ये भी क्या है, टेन इनवर्स 63/16। तो ये दोनों चीजें हमारी सेम हो गई, तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, पाई। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड से लगा सकते हो। जब यही मेथड लगाओगे तो ये फार्मूला लगाओगे कंडीशन के साथ। तो क्या लिखोगे फार्मूले को, ऐसे लिखना फार्मूले में, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस था ना, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 - xy प्लस पाई, इफ क्या एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, अगर ऐसा दिया हो तो। तो ये फार्मूला याद रखना, ये इस क्वेश्चन में जब लगाओगे तो इसको लिख करके तब आगे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, सिंप्लीफाइड टेन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। तो ए कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स, ऐसे यहां पे बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स। नेक्स्ट नीचे भी यही करना हमें, बी कॉस एक्स अपान में बी कॉस एक्स, ठीक, प्लस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें वन चाहिए होता है फार्मूले में, हमेशा टेन इनवर्स में यहाँ नीचे वन आता है, तो इसलिए हमने वन बनाने के लिए इसको किया। तो ये क्या मिला हमें, टेन इनवर्स यहाँ से कॉस कैंसिल, ए बाई बी मिला और माइनस यहाँ से बी बी कैंसिल, टेन एक्स मिला और यहाँ से बी बी कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, वन बचा और प्लस ए बाई बी और टेन एक्स मिला। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेट करना ऐसे
ए बाई बी इक्वल टू टेन ए, ऐसे पुट कर देना इसमें, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हें समझना। तो ये क्या मिला हमें, टेन इनवर्स, इसके प्लेस पे तुम्हें क्या बताया, टेन ए, और ये क्या था, टेन एक्स, 1 प्लस टेन ए टेन एक्स, ये देखो फार्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का। तो टेन इनवर्स टेन ए माइनस एक्स, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, ये ए माइनस एक्स, और ए की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स, यहां से अगर तुम निकालोगे तो ये टेन इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू ए के मिल जाएगा। तो ये टेन इनवर्स ए बाई बी और माइनस का एक्स, तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहां से हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ये मिला हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 3x अपान में 1 माइनस xy, 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। दोनों तरफ का टेन ले लो पहले, तो इधर से टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन हो जाएगा, बचा क्या 5x, 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इधर जा करके ये टेन आएगा पाई बाई 4, और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 5x अपान में 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x कॉमन लो x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लो x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, तो x प्लस 1 और 6x माइनस 1 एक ब्रैकेट में मिला। अब यहां से दोनों बारी बारी से 0 पुट करो, एक बार इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1, और इफ 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन 6x इक्वल टू, ये माइनस था, 6x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 अपान में 6। अब देखो ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी, क्यों, इसके लिए जो LHS होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा और RHS पाई बाई 4 दिया है, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो आंसर हमारे पास सिर्फ क्या होगा, देयर फोर आंसर क्या होगा, x इक्वल टू सिर्फ 1 अपान में 6 आएगा, ठीक है ना। देखो जब x इक्वल टू -1 पुट करते तो ये टेन इनवर्स -2 और टेन इनवर्स -3 बन जाता, समझ लो इसको, टेन इनवर्स माइनस का 2 और टेन इनवर्स -3 बन जाता, तो इसलिए ये सॉल्व हो करके जो आंसर मिलता वो नेगेटिव मिलता, और RHS में इधर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हम -1 ट्रू नहीं मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट, अब आता है मिसलेनियस का एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो 13π/6, ये इसके रेंज में नहीं आता है, 0 टू π के बीच में नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2π से ज्यादा है, ये क्या है, 2π+π/6 है, 2π से ज्यादा है, इसलिए इसमें नहीं आएगा इसके रेंज में। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस 2π+π/6, तो 360+θ, तो मैं बताया था जब भी 360 के साथ प्लस या माइनस में कुछ हो तो 360 गायब कर सकते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स आएगा, और पाई बाई सिक्स इसके रेंज में आता है, इसलिए कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर के सिर्फ आंसर पाई बाई सिक्स आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, टेन इनवर्स, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, 7π/6 हमारा क्या होता है, इसको लिख सकते हैं π+π/6, तो ये पाई से ज्यादा हो गया, जबकि इसका रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 होता है,
इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स टेन इसको हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और टेन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, 180 पे चेंज नहीं होगा तो टेन ही रहेगा, तो पाई बाई सिक्स। और इधर क्या था हमारे पास, टेन इनवर्स, ये पाई बाई सिक्स इसके रेंज में आता है, यहाँ पे आएगा, तो इसलिए टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होकर के सिर्फ पाई बाई सिक्स मिलेगा। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, ये प्रूफ करने हैं हमें, तो प्रूफ करना, तो LHS ले लेते हैं। तो LHS में टू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को सबसे पहले बदल लो टेन इनवर्स में, तो ये हो गया टू टेन इनवर्स। ये देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, ये टेन होता है। अब यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा लो, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था हमारे पास फार्मूला, टेन इनवर्स टू एक्स अपान में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लगा लेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स टू एक्स, तो टू इंटू थ्री बाई फोर अपान में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो थ्री बाई फोर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो टेन इनवर्स तो ये हो गया टू थ्री जा, पहले टू से इसको काट दो, तो ये हो गया थ्री बाई टू, और नीचे वन माइनस 9/16, एलसीएम लो, टेन इनवर्स 3/2 इंटू ये 16 ऊपर हो जाता, 16 - 9 7 हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें टेन इनवर्स, तो ये दो से काट दो, 8 8 थ्री जा 24, और नीचे हो गया 7, तो ये RHS के इक्वल आ गया, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं, बट हम हमेशा क्या करेंगे, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके तभी फार्मूला लगाएंगे। तो इसको पहले टेन इनवर्स में करते हैं, तो इसको टेन इनवर्स में अगर मैं लिखूंगा तो क्या मिलेगा, ये देखो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस, बेस मतलब 15, प्लस टेन इनवर्स, ये साइन में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस हो गया। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाओ, तो टेन इनवर्स ये LHS हमारा चल रहा है, ये प्रॉपर तरीके से लिखना, तो 8/15 प्लस 3/4 अपान में वन माइनस 8/15 इंटू 3/4, सिंप्लीफाई करो जरा, टेन इनवर्स 8/4 जा 32, 15 थ्री जा 45, डिनोमिनेटर देखो 14 60 आएगा, 60 यहाँ भी आएगा कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 - 24, 60 - 24, ये टेन इनवर्स, ऊपर देखो पहले क्या मिला 45, और ये 77, और नीचे क्या मिलेगा 36, तो ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ, फाइव में क्या दिया, प्रूव दैट, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को बदल लो पहले फिर से टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस प्लस टेन इनवर्स, ये देखो बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे नीचे और परपेंडिकुलर इसका आता 5, ट्रायंगल बना के कर सकते हो। अब फिर से ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाओ, तो जब इसको लगाएंगे तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस 5/12, नीचे 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, सिंप्लीफाई करो, तो टेन इनवर्स क्या मिलेगा 36, 20 दोनों का 48 आता वो कट जाएगा, तो 48 - 15, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टेन इनवर्स, अब देखो ये हो गया 56 और 48 में से ये आ जाएगा हमारे पास 33। अब देखो टेन इनवर्स था, हमें कॉस इनवर्स चाहिए, देखो ये 33 बेस, और इसका भी परपेंडिकुलर अपान में बेस, बेस मिल रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सही है, डायरेक्टली इसको लिख दो क्या, कॉस इनवर्स बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास क्या था 56, 33, ठीक है ना, 33/65, 33/60 बेस अपान में हाइपोटेनस,
तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया। इस तरह से तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे लिए काम आसान होगा और फार्मूले ज्यादा लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है लगभग। तो ठीक है, अब कॉस इनवर्स को पहले बदल लो। तो जब इसको टेन इनवर्स में बदलोगे तुम, तो ये टेन इनवर्स क्या मिलेगा, बेस अपान में हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस प्लस टेन इनवर्स। अब ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर अपान बेस, यही सेम क्वेश्चन था अभी ऊपर। ठीक है, बस वहां पे कॉस इनवर्स में हमें दिखाना था, यहाँ साइन इनवर्स में, तो सब कुछ सेम होगा। टेन इनवर्स फाइव अपान में ट्वेल्व प्लस थ्री बाई फोर, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है ना, वन माइनस फाइव अपान में ट्वेल्व इंटू थ्री बाई फोर। अब इसके बाद देखो, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव थ्री ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा फोर्टी एट, लिख सकते हो या फिर कैंसिल हो जाएगा वैसे तो, फोर्टी एट ट्वेल्व फोर जा और फिफ्टीन और नीचे 48, ये 48 48 कैंसिल कर देना, बचा क्या 56 अपान में टेन इनवर्स 56 अपान में 33। अब इसको हमें साइन इनवर्स में लिखना है, तो साइन इनवर्स ये क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पे क्या आएगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस अभी हमने निकाला था, यहाँ पे जो प्रूफ करना उसको देख सकते हो तुम 65। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो सेवन, करेक्ट टेन इनवर्स इक्वल टू, ये प्रूफ करो। तो ये यहाँ पे आरएचएस ले लेना, तो आरएचएस हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स लिख लेते हैं एक बार, साइन इनवर्स फाइव अपान में थर्टीन, ऐसे लिखना ही है तुम्हें, कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव। अब इसको टेन इनवर्स में बदलो, तो ये हमें टेन इनवर्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और यहाँ क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, प्लस इसको भी बदलो टेन इनवर्स, ये बेस अपान में हाइपोटेनस होता है और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई तो फाइव बाई ट्वेल्व और फोर बाई थ्री अपान में वन माइनस फाइव बाई ट्वेल्व इंटू फोर बाई थ्री। अब देखो टेन इनवर्स इसको एलसीएम लेकर के फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये मेरा फिफ्टीन और प्लस फोर इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट, नीचे आएगा थर्टी सिक्स और ये बड़ा सा डिनोमिनेटर थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी अपान में थर्टी सिक्स, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या फोर्टी एट और ये ऐड करके टेन इनवर्स ये 63 और यहाँ पे 16 टेन इनवर्स। लेकिन हमें किस में प्रूफ करना है वो देखो, टेन इनवर्स में ही लाना है, तो ये यहाँ पे आ गया एल एच एस के इक्वल, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या देखो चार बार टेन इनवर्स दिया है, तो एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला लगा लो टेन इनवर्स वाला और यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला लगा लो टेन इनवर्स वाला। तो पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई दोनों जगह लगेगा, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई तो वन बाई फाइव प्लस वन बाई सेवन, वन माइनस वन बाई फाइव इंटू वन अपन सेवन, सेम इधर में आ जाओ टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस वन बाई एट, वन माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाई एट, ऐड करो जरा टेन इनवर्स, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व और नीचे सेवन फाइव जो थर्टी फाइव, यहाँ भी आता वहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, थर्टी फाइव माइनस वन और प्लस टेन इनवर्स, ऐसे यहाँ भी कर लो एट प्लस थ्री इलेवन और नीचे आता ट्वेंटी फोर, इसका भी डिनोमिनेटर ट्वेंटी फोर, एलसीएम लेने के बाद ट्वेंटी फोर माइनस वन, कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो, कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ क्रिटिकल है नहीं। तो ये हो गया ट्वेल्व अपान में थर्टी फोर और इधर क्या मिला टेन इनवर्स इलेवन अपान में ट्वेंटी थ्री। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला दोबारा लगेगा, अब वो देखो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई तो ट्वेल्व अपान में थर्टी फोर प्लस
इलेवन अपान में 23, वन माइनस 12 अपान में 34 इंटू 11 अपान में 23। कैलकुलेशन खुद करना, ठीक है। पहले इसको एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, तो टेन इनवर्स 23 इंटू 12, तो 23 इंटू 12 आएगा हमारे पास 276, और प्लस 34 इंटू 11 ये आएगा 374। डिनोमिनेटर में 34 इंटू 23, खैर वो तो कट जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा ना, तो 782। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 782 माइनस 132 ये आएगा 782, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर ऐड करो टेन इनवर्स, ये दोनों ऐड करके हमें मिलेंगे 650, और नीचे भी क्या मिलेगा 650, तो टेन इनवर्स क्या मिला हमें, 1, कैंसिल होकर के टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4, यही हमें प्रूफ करना था। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के आ गया प्रूफ। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये हमें प्रूफ करना है, तो आर एच एस लेकर के यहाँ पे चलो, ठीक है। तो आर एच एस हमारे पास क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। तो एक काम करो, यहाँ पे सपोज करो, लेट एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट कर लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, कॉस और कॉस इनवर्स कट गया, क्या बचा, 1/2 इंटू 2 थीटा। तो 1/2 इंटू 2 थीटा का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बचा थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ देखो अंडर रूट एक्स करोगे तो क्या आएगा, ये टेन थीटा आएगा। अब टेन इधर आएगा तो क्या मिलेगा, ये टेन इनवर्स रूट एक्स, ये किसकी वैल्यू होगी, थीटा की। तो यहाँ पे ये पुट कर दो, ठीक है, तो ये टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स हो गया, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10, कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालो। तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या मतलब, 1 को पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये वैल्यू थी 1 प्लस साइन एक्स का, तो इसलिए अंडर रूट अगर तुम लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हमें क्या मिलेगा, सिर्फ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 मिलेगा। तो ये हमें यूज करना है आगे। इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स जब लिखोगे, तो 1 माइनस साइन एक्स के लिए सेम ऐसे बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो 1 की वैल्यू हो गई, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 मिला। अब ये फार्मूला बनेगा किसका, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी बन सकता है, तो हम कॉस माइनस साइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 दिया है, और 0 से पाई बाई 4 के लिए जो कॉस एक्स होता है वो बड़ा होता है किससे, साइन एक्स से। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे। तो इसलिए अंडर रूट में अगर ये होता 1 माइनस साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आती, रूट गायब हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा। अब ये दोनों वैल्यू हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में एलएचएस में पुट कर देंगे। अब देखो एलएचएस क्या था, पहले वो नोट करो,
कॉट इनवर्स के साथ 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये वैल्यू रखेंगे एलएचएस में, एलएचएस कॉट इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स था, तो 1 प्लस साइन एक्स मतलब कॉस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू। इसके बाद यहाँ बीच में क्या है, प्लस का साइन था तो प्लस, और फिर 1 माइनस साइन एक्स था, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, वैल्यू रख दिया हमने ऊपर। इसी तरह से सेम नीचे भी वैल्यू रखेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस करेंगे, तो ये कॉस एक्स बाई टू माइनस और ये वाला प्लस में बदल जाएगा साइन एक्स बाई टू। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर से माइनस कैंसिल हो गया ये, और नीचे से भी ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, कॉट इनवर्स अंदर टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे टू साइन एक्स बाई टू, तो ये टू से टू हो गया कैंसिल, तो कॉस बाई साइन हमें क्या मिलता है, कॉट, तो ये कॉट इनवर्स और कॉट एक्स बाई टू, तो सिंप्लीफाई होकर के हमें रिजल्ट क्या मिला, वन एक्स बाई टू, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अब, प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू लेट, यहाँ पे जो पुट करोगे LHS में, x इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करो, तो जब इसको पुट करोगे तो LHS हमें मिलेगा क्या, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस 1 माइनस कॉस टू थीटा, ऐसे नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस टू थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है, जहाँ पे प्लस वाला है वहाँ ये लगाना, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आकर के प्लस और ये इधर जा करके 1 माइनस कॉस टू थीटा मिल गया, इतनी ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऐसे सेम तुम्हारे पास जो दूसरा वाला मिलेगा, कॉस टू थीटा का फार्मूला, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 2, ये तो हो गया हमारा कॉस टू थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहां पे प्लस है वहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जहां माइनस है वहां 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 और प्लस वाला है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट लेने के बाद क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, यहाँ से रूट 2 कॉमन लेकर के क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे भी रूट 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, तो रूट 2 हो जाएगा कैंसिल। जब रूट 2 कैंसिल होगा तो उसके बाद क्या बचेगा, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, पूरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो टेन इनवर्स के अंदर है इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 और साइन बाई कॉस टेन थीटा, इसी तरह से ये 1 और ये प्लस का टेन थीटा, तो ये फार्मूला बन गया किसका, टेन इनवर्स पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का फार्मूला बन गया, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे रही बात थीटा की वैल्यू रखने के लिए, तो हमने x इक्वल टू क्या माना था, कॉस टू थीटा माना था, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x मिलेगा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई टू
कॉस इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 9π/4, ये हमें प्रूफ करना है, तो एल एच एस लेना है इसमें। तो जब इसमें एल एच एस लोगे तो इसमें से देखो 9/4 हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए 9/4 मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। तो क्या बचा यहाँ पे, 9/4 कॉमन लेने के बाद पाई बाई टू माइनस, यहाँ से 9/4 गया, क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इधर 9/4, और ये हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पढ़ा था। तो जब कॉस इनवर्स एक्स इधर, साइन इनवर्स एक्स इधर चला जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो इसलिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स मतलब क्या, 1/3, लेकिन हमें तो साइन इनवर्स में चाहिए, तो ये हो गया 9/4, और इसको साइन इनवर्स में बदल लो। तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कॉस का मतलब बेस अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 आएगा रूट में, रूट 8 का मतलब क्या है, 2√2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया √8 अपान में हाइपोटेनस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपान में 3। तो ये हमारे पास आर एच एस एल एच एस के इक्वल आ गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू निकालना, बिल्कुल सावधानी से करना, इस तरह के क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, फार्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x अपान में 1 - x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, tan इनवर्स 2x के जगह पे यहाँ पे cos x है, 1 - cos² x। इधर क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos x को नीचे, cos x को नीचे ले जाएंगे तो ये sin x आएगा, दोनों तरफ का tan इनवर्स हो गया कैंसिल, क्या बचा 2 cos x, और नीचे 1 - cos² क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या मिला, 2 अपान में sin x, 2 से 2 कैंसिल कर देना, साइन एक्स मत कैंसिल करना नहीं तो एक वैल्यू गायब हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको इधर ले आओ, क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन लेकर के क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स माइनस कॉस का एक्स, तो इक्वल टू 0, हमें एक्स चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ से बारी बारी से 0 पुट करो, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 एक मिलेगा, या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ से डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाई फोर, या कॉस एक्स इधर ले आओ, टेन एक्स इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिला, एक्स इक्वल टू 0, पर दोनों ट्रू नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू हम 0 रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये वाली जो वैल्यू है 2 cos x 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले चलेंगे, तो जब इधर ले आएंगे तो ये मिलेगा 2 tan इनवर्स 1 - x अपान में 1 + x इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, तो टेन इनवर्स 2x, तो 1 - x अपान में 1 + x अपान में 1 - x² तो 1 - x अपान में 1 + x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स। अब क्या होगा, दोनों तरफ का टेन इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 के साथ
वन माइनस एक्स अपान में वन प्लस एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद इधर आएगा, माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आएगा, और नीचे क्या होगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, एक्स। तो एक वन प्लस एक्स, एक वन प्लस एक्स से कट जाएगा, अब जो बचा उसको लिखो, तो ये बचा टू ब्रैकेट में वन माइनस एक्स, नीचे तो वन बचा, इन टू वन प्लस एक्स रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई, और जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों माइनस हो जाएंगे माइनस के कारण, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा टू एक्स। सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, फोर एक्स बचा, और ऊपर बचा टू के साथ वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास फोर एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो फोर एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो टू इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बाई सिक्स, टू बाई सिक्स का क्या मतलब, वन बाई थ्री, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री मिलेगा। लेकिन यहां पर फिर क्या होगा, बट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, वन बाई रूट थ्री मिलेगा, ये इसका आंसर होगा। ये वाला क्यों नेग्लेक्ट हुआ, क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस साइन लेने के बाद ये वाली जो वैल्यू आएगी, देखो चूंकि वन बाई क्या था, रूट थ्री माइनस में, तो जब ऐसा करोगे तो वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जब वन प्लस एक्स करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा जो एल एच एस होगा वो निगेटिव आ जाएगा, जो कि आर एच एस में पॉजिटिव है, इसलिए वैलिड नहीं होगा, ऐसे समझ लो, या फिर डायरेक्टली तुम देख लो यहां पर दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, साइन टेन इनवर्स, तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो टेन इनवर्स, तो टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये हाइपोटेनस निकाल लेना, अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको टेन इनवर्स को बदल लो साइन इनवर्स में, तो ये क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स में बदल गया, टेन इनवर्स साइन इनवर्स में, और बाहर क्या था, साइन था, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो एक्स अपान में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स अपान में वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, 16 में दिया साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, ये हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, एक्स की। तो एक तो तरीका ये है तुम्हारे पास कि इसमें बारी बारी से वैल्यू रख करके देख लो, तो इसमें मेनली जीरो वन बाई टू ये देख रहे हैं, तो जीरो रख करके देख लेते हैं। तो पहले जब जीरो रखोगे फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, जब इसमें जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, ये साइन इनवर्स वन और माइनस टू साइन इनवर्स जीरो, तो टू साइन इनवर्स जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, तो साइन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई टू, मतलब ये जीरो तो ट्रू है। फॉर वन बाई टू एक्स इक्वल टू, अगर वन बाई टू लिखते हो तो साइन इनवर्स वन माइनस वन बाई टू करोगे तो वन बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, तो ये हमारे पास 30 डिग्री माइनस टू इंटू 30, तो ये माइनस का 30 डिग्री आ गया पाई बाई सिक्स, तो ये गलत हो गया, ठीक है। वन रखेंगे तब क्या होगा, तो साइन इनवर्स वन रखने पे ये जीरो हो जाता माइनस टू साइन इनवर्स वन, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो ये माइनस में आ जाता, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा, सी वाला पार्ट सही होगा। एक तो तरीका ये था तुम्हारा, अगर हम प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्व करने का क्या मेथड होगा वो देखो। तो सबसे पहले इसको नोट करो, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स और माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया है पाई बाई टू, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको उधर भेज दो, एक बार मिला लो इसको, सेम है ना, टू साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दो, तो पाई बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स
एक्स ऐसे लिख लो, और इधर क्या है हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। अब दोनों तरफ का साइन लेते हैं, मतलब ये साइन इनवर्स एक तरह से उधर भेज रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या मिलेगा हमें, तो साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा 90 के कारण चेंज होगा किसमें, कॉस में, ठीक है, पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लिखा हूं, और ये 2 साइन इनवर्स एक्स मिल गया। अब इधर क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, यानी एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लो, या फिर यूं लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लो, ये वैल्यू पुट करो। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 माइनस एक्स के जगह पे साइन थीटा मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा कॉस, और ये 2 और ये थीटा, कॉस 2 थीटा को लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 माइनस साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, और इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन का थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेते ही क्या मिलेगा हमें, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मिल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसके बाद, यानी x इक्वल टू क्या मिला 0, और इधर ये भी साइन थीटा मतलब क्या था x था, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, यहां से दोनों वैल्यू आ रही है। पर जब हम इसको रख करके वेरीफाई करेंगे, अभी जैसे तुम्हें रख करके दिखाया मैंने ना, तो रख करके जब देखोगे तो x कैन नॉट बी, x इक्वल टू 0 तो होगा, वैलिड होगा, लेकिन ये x कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2, ये वैलिड नहीं होगा। तो देयरफोर आंसर क्या होगा हमारे पास, जो वैलिड आंसर होगा x इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, उसमें मिला लेना एक बार, सी ऑप्शन होगा, तो ये ट्रू होगा। एक बात और, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, थोड़ा सा चेंज क्या होता वो देखो, अगर इस माइनस के जगह पे, जो बीच में हमें ये माइनस दिया हुआ है, इस माइनस के जगह पे अगर ये प्लस होता तब क्या चेंज होता, तो ये प्लस इधर जाकर के क्या बनता, माइनस बनता, तो जब यहाँ पे माइनस बनता तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता, इसके कारण साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तब भी कॉस थीटा होता, मतलब इधर जो है कोई चेंज नहीं होता, और जब इधर कोई चेंज नहीं होता तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास फिर यही मिलता, क्या x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। अब हम जब फार्मूले में रखते हैं x इक्वल टू 0 और 1/2, तब ये ट्रू होता। कैसे ट्रू होता, देखो इधर जब 0 रखोगे तो हमारे पास क्या था, ये 0 रखने पे क्या बनता, साइन इनवर्स 1 बनता, तो ये बन जाता हमारे पास साइन इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 0, 2 साइन इनवर्स 0, तो ये तो 0 ही हो जाता, तो पाई बाई 2 हमारे पास ये वैलिड हो गया 0 के लिए, मतलब 0 ट्रू है। और जब यही फिर 1/2 तुम रखते, तो जब यहां पे 1/2 रखते तो क्या मिलता, साइन इनवर्स 1/2 रखते ही हमें ये 1/2 मिलता, मतलब यहाँ पे 30 मिल जाता, और यहाँ पर भी क्या मिल जाता, 2 साइन इनवर्स, ये भी 30 मिल जाता, तो 30 इंटू 2 60 और प्लस 30 यहाँ पे 90, तब ये ट्रू होता। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 0 एंड 1/2 दोनों आते, और अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो सिर्फ 0 आएगा। तो कोई भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा करके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको ध्यान में रख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एमसीक्यू समझ करके छोड़ मत देना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट और क्वेश्चन नंबर 17 पे अब आते हैं हम, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें एक काम करो, इसको सॉल्व करते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो ये x से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ जाएगा, माइनस y अपान में x, और नीचे x से डिवाइड करने पे y अपान में x,
ध्यान से देखो, ये क्या मिला हमें, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई मिला, और माइनस टेन इनवर्स वन माइनस, इसको मान लेते हैं टेन ए, और ये वन प्लस, ये भी क्या बन गया, टेन ए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या मिला, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई और माइनस टेन इनवर्स, और ये फार्मूला किसका बना, टेन पाई बाई फोर माइनस ए का, तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिला, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई मिला माइनस पाई बाई फोर के साथ माइनस का ए मिला। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस पाई बाई फोर और प्लस ए। अब ए की वैल्यू रखो, ए ये पे क्या हमने टेन ए इक्वल टू क्या माना था, वाई बाई एक्स, तो टेन ए इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो ए इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखो ये टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मिला और ये टेन इनवर्स एक्स बाई वाई मिला। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम टेन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई हो गया, और इधर क्या बचा है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई और माइनस का पाई बाई फोर बचा हुआ है। ये देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दोनों सेम है, एंगल सेम है, इसलिए दोनों का सम क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। एलसीएम ले लो तो फोर एलसीएम आ जाएगा, तो टू पाई माइनस पाई, तो क्या मिलेगा हमें, पाई बाई फोर। तो अब पाई बाई फोर हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन देख लो पाई बाई फोर का कौन सा है, तो ये ऑप्शन होगा हमारे पास सी। तो